नमस्कार, स्वतः समाचार के न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत रंजन। कल मोदी सरकार के दूसरी पारी का आरंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, इसके साथ ही उनके कैबिनेट मंत्रियों ने भी और राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें एक दिलचस्प बात रही कि एंड टाइम पर खबर आई कि जदयू मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। इससे पहले खबर आ रही थी कि जदयू के पास 16 सीटें हैं और हर एक घटक दल से एक एक मंत्री बन रहे हैं। शिवसेना, अकाली दल, इस हिसाब से जदयू से भी मंत्री बनेंगे, लेकिन शपथ ग्रहण के समय जदयू के सांसदों में से किसी ने भी मंत्री पद की शपथ नहीं ली। क्या स्टैंड रहेगा जनता दल यूनाइटेड का मोदी सरकार के दूसरे संस्करण में, हम जानेंगे अपने वरिष्ठ साथियों के साथ। हमारे साथ न्यूज रूम में इस वक्त हैं संपादक विचार श्री सत्यपाल कुमार सुरेश जी। आइए हम उनसे पूछते हैं कि जदयू का क्या स्टैंड है, आने वाले समय में जदयू का क्या रुख रहेगा मोदी सरकार के प्रति, एनडीए में बने रहने के प्रति। जरा बताइए कि जनता दल यूनाइटेड के सांसदों ने, के एक भी सांसद ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली, इसके क्या मायने हैं, इसको क्या समझा जाए? नीतीश की नाराजगी समझी जाए या कोई रणनीति समझी जाए? नाराजगी नहीं कही जा सकती है। दो तीन राउंड की बात नीतीश कुमार की अमित शाह से हुई और भूपेंद्र यादव से भी बात हुई। इस बार भाजपा तय कर ली है, मतलब कि हमको अपने गठबंधन को एक एक सीट देना है मंत्रिमंडल में, सांकेतिक देना है, क्योंकि फिर विस्तार की बात होगी तब देखा जाएगा किसको शामिल करना है किसको नहीं शामिल करना है। तो सांकेतिक के रूप में शामिल होने में जदयू को परेशानी ये होने लगी। जदयू चाह रहा था कि कम से कम उसके दो मंत्री कैबिनेट में शामिल हों, तो इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि हम अपने दल में बात करते हैं, बात करने के बाद बताएंगे आपको। लेकिन अपने दल में सहमति नहीं बन सकी कि एक आदमी कौन बनेगा कैबिनेट मंत्री, तो इसकी वजह से वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई। हालांकि उन्हें बार बार कहा कि हम मजबूती से एनडीए में हैं और रहेंगे। हालांकि एक अखबार ने प्रमुखता से खबर छापी है कि अगले विस्तार में जो चर्चा हुई थी कि अगले विस्तार में देखा जाएगा, तो इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि हम अगले विस्तार में ही शामिल होंगे, लेकिन हम अकेले शामिल नहीं होंगे, कोई एक कैबिनेट मंत्री नहीं बनेगा, हमको एक से अधिक चाहिए। ऐसा भी तो है कि एनडीए की बड़े भाई, एनडीए में बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी है, और एनडीए में एक सहमति बनी थी कि जो भी घटक दल है, शिवसेना, अकाली दल, अपना दल, जदयू, लोजपा, सारे घटक दल से एक ही सांसद मंत्री बन सकते हैं। इस पे सारे दल सहमत थे, यहाँ तक कि नीतीश भी सहमत थे, लेकिन खबरें जैसी आ रही हैं कि जदयू से ललन सिंह और आरसीपी, इन दोनों में से किसी नीतीश को एक को चुनना था, नीतीश एक चुन नहीं पाए, तो ये जदयू के आपस की लड़ाई के चलते मंत्री कोई नहीं बना, ऐसा हो सकता है क्या? बातें ऐसी हवा में तैर रही हैं। हालांकि नीतीश ने इसका खंडन किया है कि ऐसी बात नहीं है, हमने कभी संख्या नहीं बताई है। बावजूद इस ढंग की बात अखबारों में छप रही है कि हम तीन मांग रहे हैं, दो मांग रहे हैं, दो बनना चाह रहे हैं, लेकिन एक चर्चा तो है कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह के की वजह से इसमें व्यवधान हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि भाजपा जो है लोजपा और जदयू को एक ही तराजू पर तौल रही है, जबकि दोनों की सांसदों की संख्या कम अधिक है। उधर केसी त्यागी ने भी कह दिया कि हमारे पास 16 सांसद है, हमको एक दो सांसदों वाली पार्टी ना समझी जाए। हाँ, इसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि किसके पास संख्या कितनी है, क्योंकि किसी की संख्या से सरकार नहीं चल रही है, ये तो एक समन्वय की बात हो रही है। वो तो बिना जीते अठावले को अपने मंत्रिमंडल में उन्होंने शामिल कर लिया है जो राज्यसभा से है, तो इसको बड़े एस्पेक्ट में देखना चाहिए कि गठबंधन है, गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सर अधिक संख्या में है कि कम संख्या में है, शामिल होना था तो एक आध मंत्री बन जाना चाहिए था। फिर विस्तार की बात तो थी ही कि अगले विस्तार में और लोग शामिल हो जाएंगे। लेकिन सहमति नहीं बन पाई कि दो में से कौन एक बनेंगे, ललन सिंह बनेंगे कि आरसीपी बनेंगे। चलिए ठीक है, हम आते हैं स्वतः ग्रुप के संपादक कृष्णकांत ओझा जी के पास और जानते हैं कि जदयू का मंत्रिमंडल में शामिल न होना ये क्या किस ओर इशारा कर रहा है, और जदयू अगर इस पर स्टैंड लेता है तो आने वाले समय में एनडीए के साथ उसके संबंध किस तरह से होंगे। जनता दल यूनाइटेड की का इतिहास यही बताता है कि कभी समाजवाद में उनकी आस्था जगती है तो लालू जी के साथ हो जाते हैं, कभी देशहित में आस्था जगती है तो एनडीए के साथ हो जाते हैं। कल मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए तो यही चर्चा फिर से होने लगी, क्या लगता है आपको?
देखिए राजनीति में संभावनाएं खुली रहती हैं, संभावनाओं के द्वार जितने भी हैं वो खुले रहते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि राजनीति में जो आया है वो व्यक्ति, उसका लक्ष्य होता है सत्ता में बना रहना। इसके साथ साथ यह भी होता है कि हम अपने जो संगठन है संगठन को मजबूत करें, तो संगठन के आधार पर देखेंगे तो जदयू का कोई ऐसा सांगठनिक ढांचा नहीं है और उस प्रकार का संस्कार भी नहीं है, उसके पीछे कोई विचार संस्कार भी नहीं है जो कि समाज कहते हैं लोग कि समाजवाद से आए हैं। तो वहाँ जदयू हो राजद हो, इस प्रकार की जो पार्टियाँ हैं उसमें व्यक्ति की महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण होता है और कौन व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है। तो जदयू में देखा जा रहा है कि रामचंद्र प्रसाद सिंह महत्वपूर्ण है, ललन सिंह भी महत्वपूर्ण है, उधर संतोष कुशवाहा के बारे में भी बात हुई कि महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे राजद में यादवों के का वर्चस्व है, यादव महत्वपूर्ण भूमिका में मतलब मुख्य है वहाँ, उसी प्रकार से यहाँ लव और कुश की बात हो रही है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार का प्रयास यह रहा है कि जो अति पिछड़ा है, जो भी सत्ता में शीर्ष पर नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इनको भी हम अपनी ओर आकर्षित करें। तो एक यदि किसी को मंत्री पद मिल जाता तो असंतोष मुखर होकर सामने आता। ललन सिंह भी मानने वाले नहीं है क्योंकि इनके भी जो भी सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही थी कि इनके समर्थक वहाँ पहुँच गए थे, अपेक्षा कर रहे थे कि ललन सिंह भी बन जाए। तो इस प्रकार से जो एक विचित्र स्थिति जो हो सकती थी, जो दरार वाली स्थिति हो सकती है, टकराव की स्थिति, उसको टालने के लिए नीतीश कुमार ने सोचा कि भाई अभी फिलहाल सांकेतिक रूप से आ रहे हैं तो इसको टाल दो। अच्छा, नीतीश कुमार के इस स्टैंड से आने वाले अगले साल विधानसभा चुनाव पर भी कुछ असर पड़ेगा क्या? देखिए, बहुत सारे लोग कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ अन्याय हुआ, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि अभी की स्थिति में नीतीश कुमार कोई निर्णय ले पाएंगे। नीतीश ने तो कह भी दिया खुल के कि हम एनडीए के साथ मजबूती से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि इस मामले में वो बिल्कुल सीजन पॉलिटिशियन है। एक आकलन तो कर ही लेते हैं कि कहां क्या है, उनका आकलन है कि राजद की स्थिति खराब है, वहां जो नेतृत्व है उनसे इनका पट ही नहीं सकता है, उनके जो तेवर है, उनके जो तौर तरीके हैं उसमें स्वीकार नहीं होगा। तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार एक लंबी दूरी का चाल चल सकते हैं, उसमें यह कि थोड़ा राजद कमजोर हो जाए तो वहाँ जो लोग हैं नीतीश के साथ आ जाए आकर्षित करना, और कांग्रेस से इनका संबंध अच्छा हो सकता है, कांग्रेस के से बिगाड़ उतना नहीं हो पाएगा तो कांग्रेस के लोगों के साथ इनका संबंध अच्छा हो सकता है। तो एक अलग समीकरण आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिल करके और राजद के जो महत्वपूर्ण जो लोग हैं, जो बहुत अनवाइड भी हैं लालू प्रसाद के बेटों के व्यवहार के कारण उनके जो है, तो वो राजद में बड़ा टूट हो सकता है और फिर जदयू में आ जाए और एक जदयू बड़ी पार्टी बन करके कांग्रेस के साथ जा करके और एक विकल्प दे, इस प्रकार की संभावना हो सकती है। और हमको लगता है कि इस प्रकार की बातें चल भी रही हैं। एक नए समीकरण की तरफ कृष्णकांत ओझा जी ने इशारा किया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम में अमित दुबे जी, आइए हम जानते हैं कि अभी अभी जो एक नए संभावना की ओर इशारा किया है वो कितना पुख्ता बनता है, उसकी कितनी वायबिलिटी दिखती है। जनता दल अभी संपादक कृष्णकांत ओझा जी बता रहे थे कि हो सकता है कि आरजेडी से कुछ लोग आ जाएं और कांग्रेस के साथ मिलकर जदयू एक नया गठबंधन तैयार कर ले और तब उनको नरेंद्र मोदी की ज़रूरत ना रहे। फिर दूसरी बात, जदयू के कल कोई भी सांसद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। इन दोनों बातों को अगर मिला दिया जाए तो कुछ नया पक सकता है क्या? नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस ट्रैक रिकॉर्ड पर आप नज़र डालें तो हम ये पाते हैं कि उनकी यूएसपी ही संगठन नहीं रहा है बल्कि पलटी मारने का जो उनका रिकॉर्ड है ये उनकी यूएसपी बन गई। ऐसे में नीतीश कुमार का दिल्ली में कुछ कहना और पटना आकर कुछ और कहना, जैसे उन्होंने चर्चा की कि अटल जी के समय जो फॉर्मूला अपनाया गया वो अपनाया गया होता तो ज़्यादा बेहतर था। इसके क्या मायने? इसके मायने यही है कि वो अपनी संभावनाओं को खुला रखना चाहते हैं। उधर कांग्रेस से कल जैसा कि प्रेमचंद मिश्रा ने बयान दिया था कि भाजपा के ने जदयू के साथ इस मुद्दे पे छल किया, उसी तरह का बयान आज सदानंद सिंह ने दिया है। इसमें अब लग ये रहा है कि कुछ सियासी बदलाव, यहाँ के सियासी हालात में कुछ बदलाव की तस्वीर
उभरने की गुंजाइश छोड़ी जा रही है। अभी ये शुरुआती माहौल है, देखिए अगर ऐसा कुछ पक रही है ऐसी खिचड़ी तो फिर ये एक बड़ा बदलाव अपेक्षित है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा बदलाव हो सकता है, किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विमल जी हैं। विमल जी, क्या लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड फिर एक शिफ्टिंग के मूड में है क्या? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार ने यह क्लियर भी कर दिया है कि हम गठबंधन के साथ हैं और एनडीए में रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे। लेकिन मंत्रालय को लेकर कुछ मतभेद हुआ है, क्योंकि वो शपथ ग्रहण के एक दिन पहले ही चले गए थे यहाँ से, और एक दिन पहले ही बिहार के तमाम मीडिया में यह चर्चा हो बिहार के तमाम मीडिया में यह चर्चा हो रही थी कि जदयू, क्योंकि 17-17 सीटों पे दोनों पार्टियां लड़ी थी, तो उनको भी मंत्रालय में अहम भूमिका मिलने वाली है। तो इससे कयास लगाया जा रहा था कि जदयू से 3 लोग या 2 लोग को अच्छा बर्थ मिलने वाला है, लेकिन वहाँ पे गए तो वहाँ पता चला कि संकेतिक मिलने वाला है, यानी कि जितने घटक दल हैं उनसे एक ही आएंगे। तो इससे नीतीश कुमार थोड़े नाराज हुए और बोले कि एक हमें नहीं चाहिए, संतुष्टि नहीं हुई। आइए हम पूछ लेते हैं एक और सहयोगी सत्यम दुबे से। सत्यम, सांकेतिक ये विस्तार हुआ और विस्तार अभी बाकी है, तो कहा गया था कि घटक दल से एक एक ले रहे हैं, बाद में जब विस्तार होगा तो हम देखेंगे, तो इसमें क्या दिक्कत थी सांकेतिक रूप से एक बना देने में? दिक्कत नीतीश खेमे के अंदर है, जहां तक मुझे लग रहा है। वो लगता है कि आरसीपी और ललन सिंह के बीच मामला फंस रहा है। नीतीश के दोनों ही करीबी रहे हैं, और कैबिनेट में अगर किसी एक को भेजने का फैसला नीतीश कुमार के हाथों आता है तो ऐसे में वो सेफ खेलना चाहते हैं कि ताकि आरसीपी भी नाराज ना हो और ललन सिंह भी जो उनके करीबी हैं वो करीबी बने रहें। इसके अलावा और देखें, बयान भी लगातार आ रहे हैं। केसी त्यागी ने भी कहा कि हम बड़ी पार्टी हैं और हमें सिर्फ एक सांकेतिक सीट देकर ये जो फुसलाया जा रहा है वो सही नहीं है। तो जदयू का अभी फिलहाल देखें तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जो चुनाव हुए, जदयू दूसरे नंबर की पार्टी थी 7 सीटों के साथ। जी, तो बड़ी पार्टी बनने जा रही है नेशनल पार्टी की, और उसका एक कदम है। ऐसे में सही है कि सांकेतिक सीट से ही जदयू को मान लेना उसके कहीं ना कहीं जो विस्तारवाद की जो राजनीति है उसकी, उसको थोड़ा हतोत्साहित कर सकता है। 16 केसी त्यागी का दावा है, ये हमारे पास 16 सांसद हैं तो एक ही क्यों मंत्री बने सांकेतिक शपथ ग्रहण में? अगर अगर इस मामले पे केसी त्यागी की सुनी जाए तो फिर शिवसेना के पास 18 सांसद हैं। नहीं, शिवसेना कहीं और किसी स्टेट में नेशनल पार्टी का दर्जा लेने की कोशिश नहीं कर रही है। जी, और जदयू जो है वो अभी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं वहाँ चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश लगातार कर रही है वो। तो शिवसेना 18 सीट के साथ संसद में है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि 17 सीटें ही मिली थी जदयू को यहाँ पर, तो 18 सांसद उसके जीतने की कोई कवायद बचती ही नहीं। अच्छा, फिलहाल जदयू के ताजा स्टैंड से क्या लगता है, अगले साल विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव तक नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं। उनको पता है लगातार जो पार्टी के अंदर महागठबंधन में जो विवाद आ रहे हैं, एक एक करके सब तेजस्वी और कांग्रेस जो बड़ी घटक दल हैं ये दोनों पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में नीतीश वहां जाकर अपना ही बेड़ा गर्क नहीं करना चाहेंगे। तो नीतीश कुमार जमे रहेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय उपाध्याय जी हैं हमारे साथ, आइए हम उनसे जान लेते हैं कि जदयू के इस रुख को क्या समझा जाए। सर, जनता दल यूनाइटेड के कोई भी सांसद कल शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए, कहा जाने लगा कि कांग्रेस के साथ खिचड़ी पक रही है तो आरजेडी के साथ पक रही है, फिर नीतीश जी ने कह दिया कि नहीं, हम सब एनडीए के मजबूती के साथ है, क्या है ये सब? नीतीश जी की बड़ी चाल है, नीतीश जी तीन लेना चाहते हैं। ललन सिंह और आरसीपी तो विदित है कि उनके काफ़ी करीब हैं, लेकिन एक कुशवाहा जाति से भी लेना चाहते हैं, क्योंकि कुशवाहा प्रतिनिधित्व तो इस बार बड़ा मिला है बिहार में, और जिधर नीतीश जी गए हैं कुशवाहा उधर ही गया है। तो ये सांकेतिक कैबिनेट विस्तार में ये नहीं प्रवेश कर इन्होंने एक बड़ी चाल चली है, ये असमंजस की स्थिति बनी रहे केंद्र में भी कि कहीं नाराज़ तो नहीं है, हालांकि नाराज नीतीश जी हैं नहीं, अभी तुरंत उन्होंने बयान दिया दिल्ली से लौटने के बाद कि मैं नाराज़ नहीं हूँ और कहीं से कोई दरार नहीं है और मैं बिदका भी नहीं। और अटल जी की याद आ गई उनको? हाँ, वो तो स्वाभाविक है, उनके प्रिय नेता थे, वो प्रिय नेता थे और बहुत मानते थे,
तो मतलब अटल जी के समय में नीतीश जितने सहज थे, मोदी शाह के समय में उतने सहज नहीं है, मतलब तो ये नहीं कर रहा है। ये तो वैरी करता है, इमेज वैरी करता है, सिचुएशन वैरी करता है, कर रहा है। एक सीट नहीं लेकर ऐसा कहना है जदयू के लोगों को कि संभव है कि आने वाले दिनों में विस्तारित कैबिनेट में कहीं तीन मिले और तीन की स्थिति में संभावना है। हाँ, संभावना है और ये सबको तीनों को संतुष्ट कर ले। अच्छा, पिछले दो दिनों में जो जदयू का डेवलपमेंट हुआ है, कल और आज 30 मई और 31 मई को, अगले साल 1.5 साल के बाद विधानसभा चुनाव बिहार में होने हैं, उसका क्या असर होने वाला है? सब स्मूथ चलते रहना चाहिए। सब स्मूथ चलते, हाँ स्मूथ, कहीं खटपट खिचपिच तो खिचखिच कहीं दिखाई भी नहीं पड़ी। जी, सब कुछ स्मूथ रहेगा तो हमने बात की कि जनता दल यूनाइटेड कल NDA के शपथ ग्रहण समारोह से खुद को अलग रखा, आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा ये हमने न्यूज़ रूम में अपने वरिष्ठ सहयोगियों से जानने की कोशिश की। सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा, सब कुछ ठीक चलता रहेगा, ये संभावना है कि जब मोदी कैबिनेट का विस्तार आने वाले कुछ दिनों में हो तो उसमें जदयू को उसके मन मुताबिक 2 या 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए स्वतु समाचार पर। धन्यवाद।